नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ, एक नई सोच के साथ। दोस्तों, संविदा शिक्षक परीक्षा के लिए लेटेस्ट खबर आ रही है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव तक टली संविदा शिक्षक परीक्षा, पीईबी को भेजा प्रस्ताव। अतिथि शिक्षकों के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है नए सत्र के लिए। तो आइए, पूरी खबर क्या है विस्तार से जान लेते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा फिर टल गई है। अब सरकार लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने के पक्ष में है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका पूरा प्रोपोजल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेज दिया है। वर्ग 3 की परीक्षा नहीं कराने को लेकर विभाग का तर्क है कि लोकसभा चुनाव की वजह से परीक्षा नहीं कराई जा सकती। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्ग 1 और 2 की ओपन पात्रता परीक्षा करवाई गई है, जबकि वर्ग 3 की जो परीक्षा निकट भविष्य में होने वाली है वह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। अधिकारियों की माने तो इन परीक्षाओं में अभ्यर्थी यदि शासकीय स्कूलों की सेवा में संचित रहती है तो इन्हें प्राइवेट विद्यालयों में रखा जाएगा। ऐसी शर्त है कि जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं वह निजी विद्यालय में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सॉफ्टवेयर खोल दिया गया है। जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे वह अपने दस्तावेजों के आधार पर अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अफसरों का कहना है कि अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान यदि किसी स्कूल में शिक्षक की कमी पड़ेगी तो अतिथियों का सहारा लिया जाएगा। तो साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों, इसी प्रकार की खबर पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़ें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।